सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सब लोगों का जो आज आए तशरीफ लाएं 2015 और 16 के एजीएम जो 2013 और 14 के एजीएम तो नहीं शायद फ्यूचर प्लान जो है असल मैं सबसे पहले अपना जावेद सुलेमान साहब अशफाक मोतीवाला साहब मेरे ऑफिस बेरर जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो 2 साल मेरे साथ अनथक मेहनत की है और खास तौर पे अशफाक साहब जो एजुकेशन में नूर मोहतर साहिबाला साहब जो ज़कात में और इकबाल मुंसूकीरा साहब जो हाउसिंग में ये 2-4 हमारे जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स जो मेरे साथ इन्होंने काम किया है मैं सरप्राइज हो गया और वाकई में इनकी मेहनत देखते हुए जो बहुत ही इन्होंने अंत तक मेहनत की थी इस सिलसिले में मैं शायद अभी चाहूंगा आप लोग सब मिलकर एक बार शुक्रिया इनका अदा जरूर कर दें। अब 2015 और 16 में आगे जाने के लिए सबसे पहले आप मेंबरान की बड़ी सख्त हमें कॉपरेशन की जरूरत है जो नजर नहीं आ रही खासतौर पर एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन है खासतौर पर जहां रेशो कम होता जा रहा है लोग अशफाक साहब कितने हायर एजुकेशन कम हो गया 50% हायर एजुकेशन कम हो गया जबकि आपको जमात इतनी कॉपरेट कर रही है जब देने चाह रही है आप अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाएंगे तो किस तरह आगे चलेंगे हम सब और हाउसिंग में तो इकबाल साहब और इनकी टीम ने जो काम किया है पिछले साल भी किया है उसके पिछले साल भी किया है और उम्मीद है कि अगले साल ज्यादा बेहतर कर सकेंगे काम जिस तरह ये चल रहे हैं फिलहाल सबसे बड़ा अब हमारा एक एम है कि एक जमात की अपनी ऑफिस होनी चाहिए हम अभी किराए के ऑफिस में हैं जिसके लास्ट ईयर भी मैंने शायद एक बात की थी मिलन पे कि ऑफिस होना बहुत जरूरी है इसके लिए जनरल फंड की हमें रिक्वायरमेंट है मैं तमाम मेंबर से स्पेशली हमारे सुप्रीम काउंसिल मेंबरों से दरख्वास्त करता हूं कि इस के लिए आप हमें बहुत ही कॉपरेशन की हमें जरूरत है तभी हम एक ऑफिस बना सकेंगे जिसमें हम किराए से हट जाएंगे और हमारी इनकम भी शुरू हो सकती है तो इसके लिए इस सिलसिले में अशफाक साहब भी और आरिफ भाई खास तौर पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं सलीम शकूर साहब भी मेहनत कर रहे हैं तो मैं आप लोग सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक फंड जो मैं अनाउंस करूंगा इस साल ऑफिस के लिए एक फंड हमें जनरेट करना है तो आप लोग सबसे गुजारिश है कि इसमें जरूर कॉपरेट करें बिकॉज इसके बगैर तो मेरे हिसाब से हमारी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो हमारी अपनी ऑफिस होनी चाहिए बाकी एजुकेशन हो गया हमारे एजुकेशन में तो मैंने आपको बता चुका हूं मुझे हायर एजुकेशन को इस साल बढ़ाना है और मैं इसके लिए ही अंतक मेहनत करूंगा अशफाक साहब से रिक्वेस्ट करता हूं वो स्पेशली और एजुकेशन के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा हम इसके लिए मेहनत करें और ज़कात का आपको पता है लास्ट ईयर से पिछले से 2-3 साल से हमारा ज़कात फंड भी बढ़ रहा है जिसके लिए मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने जमात को स्पेशली ज़कात के मामले में जब भी जमात ने फोन किया और उन्होंने उनकी मदद की है तो यही लोग इसी तरह चलते जज्बा रहेगा तो इंशाल्लाह हम ज़कात में हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो जाएगी और इसके अलावा आरिफ भाई जो मेहनत कर रहे हैं जो 2 साल से इन्होंने एज ए सेक्रेटरी जनरल किया है जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं तो वो तो बहुत अच्छे फिगर्स हैं और अगले 2 साल में इंशाल्लाह हम इन फिगर्स को ज्यादा बेहतर तक इम्प्रूव कर सकेंगे और मेरे ख्याल आरिफ भाई ने इतनी फिगर्स दे चुके हैं तो आप लोगों को मेरी तरफ से फिगर सुनने की मेरे ख्याल में अब हिम्मत भी नहीं होगी तो वैसे लोग बहुत इंतजार कर थक गए तो मेरे ख्याल में इस चीज को खत्म यही कर देता हूं थैंक यू सो मच मैं सलीम वली मोहम्मद है मैं प्रेसिडेंट जूनागढ़ दुराजी वाले जमात मेंबर एसोसिएशन का हूं 2 साल जो हमें अभी नया मिले इस साल टेन्योर के मेरे ख्याल में उसमें हमने जो काम की तवज्जो देनी है वो एजुकेशन है हाउसिंग है और ज़कात के मद में लोगों की मदद करना हमारे मेंबरों की 2 साल जो फ्यूचर के हैं तो हमारी कोशिश है हम एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और हमारी हाउसिंग के जो मेंबर जो परेशान हैं जो ओल्ड सिटी एरिया स्पेशली उन सब लोगों के लिए फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये 2 साल हमारी अंतक कोशिश होगी उन मेंबर जो ओल्ड सिटी एरिया में खासतौर पर हैं उनको चेंज करके नए इलाके में ले आए ताकि उनकी सबकी परेशानियां दूर हो इन सब काम के लिए हमारी टीम है माशाल्लाह ऑफिस बेरर्स हैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं वॉलंटियर कॉप्स हैं और वॉलंटियर कॉप्स हमारे माशाल्लाह जो बैकबोन है हमारी जो जिनकी वजह से हम ज्यादा ज्यादा कामयाबी हम हासिल कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स में हमने जो गुजारे हैं हमारे वॉलंटियर कॉप्स है और हमारे मैनेजिंग कमेटी के अंतक मेहनत की वजह से हम पढ़ा रहे हैं और इसी तरह 2015
और 2016 में हमारी पहली प्रायोरिटी है इन चीजों की जो मैंने आपको जिक्र कर चुका हूं, और इसके अलावा जेडीएमए के हमने एक ऑफिस कायम करना है जो अपना सेल्फ एक ऑफिस होगा, जो मेरी ख्वाब भी है, और इंशाल्लाह अपने मैनेजिंग कमेटी और मेरे ऑफिस बेरर जो मेरे साथ इसमें देंगे, कोशिश है इंशाल्लाह हम ये 2 साल नेक्स्ट 10 ईयर एंड होने से पहले इसमें रिजल्ट लोगों को दे, और लोगों और खास तौर पे हमारे मेंबरों को फैसिलिटेट करने के लिए जो ज़कात फंड हमारे लोग जो दे रहे हैं हमें, खास तौर पर हमारे वेल विशर्स, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।